कालीन भैया का संघर्ष। पंकज त्रिपाठी बोले, मेरे गांव में सिनेमा घर नहीं है, 26 किलोमीटर दूर जाकर फिल्म देखनी पड़ती है। लेकिन OTT ने सब कुछ बदल दिया। मिर्जापुर 2 में अखंडानंद त्रिपाठी उर्फ कालीन भैया का रोल कर सुर्खियां बटोर रहे पंकज त्रिपाठी का मानना है कि OTT प्लेटफॉर्म का उनकी सफलता में अहम स्थान रहा। एक इंटरव्यू में वो बोले, OTT ने मेरे करियर में बड़ा योगदान दिया है। मेरे गांव में सिनेमा हॉल नहीं है, वहां से 26 किलोमीटर दूर एक सिनेमा हॉल है, इसलिए गांव वालों के लिए इतनी दूर जाकर फिल्में देखना संभव नहीं हो पाता। OTT आ जाने के बाद मेरे गांव में भी लोग मेरे शो देख लेते हैं। पंकज ने आगे कहा, मैं जहां जाता हूं लोग मेरे किरदार के नाम से मुझे पुकारते हैं। एयरपोर्ट पर भी CISF के लोग मुझे देखकर हंस देते हैं और मेरे किरदार के नाम से मुझे पुकारते हैं। OTT ने कई चीज़ें बदल कर रख दी है। मेरे लिए कहानी अहम है, प्लेटफॉर्म नहीं। मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि मेरा काम कहाँ दिखाया जाएगा। फिल्मों से पहले मैं TV पर काम कर चुका हूँ, मुझे कोई अंतर नज़र नहीं आता। OTT की सबसे अच्छी बात है कि यहाँ किरदार की डेप्थ में जाने के लिए आपको काफ़ी समय मिलता है। ना सिर्फ एक्टर्स बल्कि राइटर और मेकर्स को भी भरपूर समय मिलता है। सिनेमा में ये स्कोप कम है। इससे पहले एक इंटरव्यू में पंकज ने कहा था, शुरुआत में मुझे काम ढूंढना पड़ता था, अब काम मुझे ढूंढता है। पहले मैं इस ऑफिस से उस ऑफिस धक्के खाता था, ऑफिस के बाहर इंतज़ार करता था और कहता था कि मैं एक्टर हूँ, मुझे काम दे दीजिए। अब जो फिल्म 2021 के सेकंड हाफ में बनेगी, उसके स्क्रिप्ट भी मुझे आज मिल गई है। पंकज त्रिपाठी गोपालगंज बिहार के रहने वाले हैं। उनके पिता का नाम पंडित बनारस त्रिपाठी और माँ का नाम हिमवंती देवी है। 4 भाई बहनों में से वे सबसे छोटे हैं। पंकज ने 2004 में फिल्म रन में छोटा सा रोल कर बॉलीवुड में कदम रखा था। हालांकि उन्हें पहचान 2012 में फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर से मिली। ऐसी ही चटपटी खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हम आपको ऐसी खबरें देते रहें। धन्यवाद।